नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि किस तरह से एक्स्ट्रा स्पेस या स्पेस नंबर्स के बीच में होता है तो हम उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो आपके सामने ये दो टेबल मैंने बनाई हुई है और इनमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं वैल्यू वन, और इस वैल्यू वन में कुछ स्पेसेस दिए गए हैं। इन स्पेसेस को किस तरह से रिमूव करना है आज हम वो सीख रहे हैं। तो दोस्तों इसका मैं तरीका आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक तो स्पेस रिमूव कैसे करें और दूसरा उस रिमूव करने के बाद उन वैल्यूज को टोटल कैसे करें यानी सम कैसे करें। ठीक है, तो ये वैल्यू हैं जो वैल्यू वन में मैं इस पर एक फार्मूला अप्लाई करूँगा, एक फंक्शन अप्लाई करूँगा, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो मैं इसको टाइप करता हूँ SUBS, ये टाइप करेंगे तो आपके सामने देखिए सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन आता है। आप टैब प्रेस करिए, टैब प्रेस करने के बाद आपके सामने पूरा ये आ जाएगा ब्रैकेट लग के। उसके बाद आपको ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है, वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद डबल कोट प्रेस कीजिए और एक स्पेस दीजिए, फिर डबल कोट प्रेस कीजिए, उसके बाद एक कॉमा लेना है और उसके बाद डबल कोट दो बार लेना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट कर दीजिए। तो ये देखिए आपके सामने इस वैल्यू को स्पेस हटा के यहाँ पे कर दिया गया है। इसी तरह बाकी सब वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने सभी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोस्तों किस तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पर सभी वैल्यू में से इनमें से स्पेस को रिमूव कर दिया है। अब हम इसका टोटल करते हैं। टोटल करने के लिए इक्वल टू सम, सब का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं और ये सारी वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर हिट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सम करने पर ये वैल्यू हमको नहीं मिल रही है, जीरो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम इस पर ये फॉर्मूला लगा हुआ होता है तो उसको हम टोटल करते हैं, सम करते हैं तो वो नहीं आता है। तो हम उसको फिर दूसरे तरीके से सम कर सकते हैं जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है। इसको करेंगे प्लस ये वैल्यू करेंगे प्लस ये वैल्यू करेंगे। ठीक है, इसको आप प्लस प्लस करते जाइएगा और आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसको प्लस किया, प्लस इसको प्लस किया, प्लस इसको प्लस किया और एंटर हिट किया तो मेरे सामने ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये सेकंड टेबल में आप देखिएगा यहाँ पर मैंने अपना पहला फंक्शन लगाया सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट का फंक्शन अप्लाई करते हैं, लिखते हैं और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट लगाएंगे, स्पेस देना है, फिर डबल कोट लगाना है, फिर कॉमा लेना है, फिर दो बार डबल कोट देना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना है, प्लस लगाना है और जीरो लगाना है और एंटर हिट करना है। अब आप देखिए बाकी सब वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने सभी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर मैंने सम ऑलरेडी लगाया हुआ था तो ये देखिए किस तरह से टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गई निकल के। यहाँ हमने प्लस प्लस करके निकाला था, यहाँ हमने सम लगा के निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स के बीच में से किस तरह से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव किया जाता है और फिर उसका किस तरह से टोटल किया जाता है। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू दोस्तों।